दशहरा के पावन पर्व पर नहीं हुआ रावण दहन, देखने वाले मायूस होकर लौटे। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर इस बार हाथरस जिले के कस्बा सासनी में रामलीला कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से रावण का मेला नहीं लगेगा। न राम जी सवारी आदि पारंपरिक आयोजन के नहीं होने से रौनक पूरी तरह फीकी रह गई। रावण के मेले के लिए पूरी साल इंतजार करने वालों ने मेला रोड पर ना तो बाजार सजे और ना ही पहले की तरह अपार लोगों की शिरकत हुई। जिस ऐतिहासिक दशहरा मेला स्थल पर रावण और उसके कुनवे के पुतलों का दहन होता रहा है, वहां इस बार दहन नहीं होगा। दशहरा मेला को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के लिहाज से बड़े उत्सवों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि ये मेला कई दशकों से चला आ रहा है और इस दौरान कई हजार लोग मेला घूमने के लिए आते हैं, जिनमें स्थानीय शहरी लोगों के अलावा समूचे सासनी 10 से 20 किलोमीटर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सहित व्यापार करने वालों की भी भीड़ लगती है। रावण मेले में टेसू झांझिया बेचने वालों को भी इसका इंतजार था, लेकिन रावण दहन न होने के चलते वो सब भी मायूस होकर रह गए। जब रामलीला कमेटी से रावण दहन की जानकारी ली गई, तो उनका कहना था कि जिस जगह रावण का दहन किया जाता है वह जगह कम हो गई है, जिसके कारण रावण का मेला नहीं लगा। वहीं दूसरी जगह की प्रशासनिक अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी, जिसके चलते रावण दहन कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। अब जो लीला रावण दहन स्थान पर की जाती थी वह रामलीला मैदान में ही की जाएगी और वही एक छोटा सा रावण का पुतला बना इसका दहन कर दिया जाएगा। रामलीला कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा मेले का साल भर इंतजार करने वाले तमाम उन दर्शकों को भी उठाना पड़ रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर चलकर रावण मेला देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें पता चला कि रावण का मेला नहीं लगा तो मायूस होकर उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। वही साल भर की कड़ी मेहनत के बाद स्टेशन झांसी बनाकर उन्हें इस मौके पर बेचने की उम्मीद लगाए तमाम लोग भी मायूस होकर घर जा रहे हैं।